नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल tutor.com पे। आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले एक बार देख रहे थे इंट्रोडक्शन इसका, दैट पी वी प्राइम नंबर। तो अगर पी एक कोई भी एक नंबर को डिवाइड करता है, अगर वो ए स्क्वायर है तो इसका मतलब पी ए से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर पी फोर को डिवाइड करता है, फोर क्या है, टू स्क्वायर, तो ये पी जो होगा वो टू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर कोई भी आप रैशनल इरेशनल नंबर लेते हो, उन दोनों का जो सम होगा या डिफरेंस होगा वो इरेशनल ही होगा। जैसे टू प्लस रूट थ्री इरेशनल होगा, टू माइनस रूट थ्री इरेशनल होगा, क्योंकि हम कभी हाथी घोड़ा ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही जो आप मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड करोगे अगर एक रैशनल और इरेशनल नंबर को, तो आपका अगेन जो आंसर आएगा वो इरेशनल आएगा। अगर आपका पी प्राइम नंबर है तो आपका जो रूट पी होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चंस को देखते हैं। ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए कि 110% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज़रूर आएंगे। हो सकता है 4 मार्क का है या 3 मार्क का या 4 और 3 दोनों का आता है, आता ही आता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी इस वीडियो में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 समझ में आ गए तो और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक इन 3 क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल। तो अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलेंगे, जो हमें प्रूव करना है हम उसका ऑपोजिट लेके चलेंगे। तो हम ये लेके चलते हैं कि जो रूट 7 है हमारा वो इरेशनल है। यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। रूट सेवन रैशनल है, इसका मतलब हम दो इंटीजर्स ए और बी ऐसे फाइंड कर सकते हैं ताकि हम रूट सेवन को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दें, और ए और बी यहाँ पे हमारे को प्राइम है, इसका मतलब उनमें एक ही फैक्टर कॉमन होगा। अगर हम इस बी को इधर लेकर जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, बी इंटू रूट सेवन इज इक्वल टू ए। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी इंटू रूट सेवन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, और रूट सेवन स्क्वायर क्या हो गया, 7। सो 7 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए भी 7 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करते हैं, ये सेम रहता है हर नंबर के लिए, रूट सेवन की जगह कोई भी नंबर होगा आपका सेम रहेगा। अब आप क्या करोगे, ए और बी के अलावा एक और इंटीजर कंसिडर करोगे, सपोज सी करते हैं, तब आप ए को 7c मान के चलोगे, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको कंसिडर करोगे, वो इस वाले फैक्टर को किसके इक्वल कंसिडर करोगे, जो जिस भी नंबर को आपको इरेशनल प्रूव करना है वो नंबर इनटू सी, सी यहाँ पे एक दूसरा नंबर हो गया। अब हम दोबारा से स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे जब हमने पुट किया तो 7b स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आया, ए की जगह हमने 7c रखा, तो 7c का होल स्क्वायर क्या मिला हमारे पास, 7c का होल स्क्वायर, 7 स्क्वायर हमारे पास 49 आया, सी स्क्वायर। अब ये 7 और 49 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया 7, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल है। तो अगर बी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो बी भी 7 से डिविजिबल होगा। इसका क्या मतलब है कि ए और बी के 7 एटलीस्ट 7 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब एक कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी है 7, लेकिन ये हमारा ये फैक्ट जो हमने ये अज्यूम किया था कि को प्राइम है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एक इनकरेक्ट अजम्पशन ली कि रूट 7 रैशनल है, इसका मतलब रूट 7 रैशनल नहीं है, तो ये रूट 7 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन आपका 3-4 मार्क में भी आता, लास्ट ईयर CBSE में क्वेश्चन 4 मार्क का आया था, इस बार ये 3 मार्क का आया था। और इस फैक्ट को यूज़ करके आप दूसरे क्वेश्चन प्रूव करोगे, देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 8 - √3, मतलब आपका कोई भी एक और एक रैशनल नंबर आपको होगा, यहाँ पे प्लस या माइनस साइन बीच में होगा, और एक आपको इरेशनल नंबर देंगे, वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि इरेशनल है। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं, ये लिख देते हैं कि रैशनल इरेशनल का सम या डिफरेंस इरेशनल होता है तो वो इरेशनल हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क का आता है, सिर्फ आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, आपको सेम वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि 8 - √3 रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो अगेन ये ए अपॉन बी के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम ए सारे रैशनल नंबर एक साइड लिखेंगे और इरेशनल एक साइड, सो ए अपॉन बी को यहाँ पे ले जाएंगे, तो 8 - a/b हो गया, और -√3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में LCM ले लेंगे, LCM हो गया 8b - a/b हो जाएगा, LCM लेने के बाद इज इक्वल टू √3।
अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 ए और बी तीनों ही रैशनल नंबर्स हैं, 8 ए और बी अगर ये तीनों रैशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं ना कि पूरा फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होगा। LHS इज इक्वल टू RHS, अगर ये रैशनल है, अगर LHS आपका रैशनल है तो आपका RHS भी रैशनल होना चाहिए, इसका मतलब रूट थ्री भी आपका रैशनल होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि रूट थ्री इरैशनल है। अब यहाँ पे आप अपना लास्ट वाला रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, हमें यहाँ पे पता है कि रूट थ्री हमारा इरैशनल है, तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि 8 माइनस रूट थ्री रैशनल है, हमारी अजम्पशन गलत थी। सो हम ये कह सकते हैं कि 8 माइनस रूट थ्री इज इरैशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है इसमें आपके पास आएगा कि दोनों ही इरैशनल नंबर हो, प्लस या माइनस का साइन हो, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इरैशनल हैं, जो इसका सम जो आंसर आएगा वो इरैशनल होगा। अब जब दोनों ही आपको इरैशनल नंबर दे रखे हो तो आपका स्क्वायर ले लो। अगर एक रैशनल एक इरैशनल है तो आप दो रैशनल नंबर्स को एक साथ ले जाओ, एलसीएम लो। अगर दोनों ही रैशनल है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो। स्टार्टिंग वैसे ही रहेगी, एज्यूम करके चलेंगे कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री इरैशनल है, तो ये ए अपॉन बी के इक्वल हो गया। अब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 ए स्क्वायर मतलब रूट 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 स्क्वायर जो क्या 3 माइनस 2 ए बी रूट 5 इंटू रूट 3 क्या होता है 2 रूट 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 माइनस 2 रूट 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू ए अपॉन बी। अब ये आ गया ना वैसे वाला क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था। अब हम इसको ए अपॉन बी को इस साइड ले जाएंगे, हमारे पास आया 8 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2 रूट 15। दोबारा से एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा हो गया बी, अभी 2 को नहीं लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 8 बी माइनस ए। अब आप इसको ले जाओ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका एलसीएम लेना है। तो 8 बी माइनस ए अपॉन हमारे पास क्या था बी, ठीक है, ये है हमारा किसके इक्वल 2 रूट 15 के। अब इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2b आ गया। अगर आप पहले लेके जाओगे तो बच्चे फिर यहाँ पे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ही सिर्फ 2 लिख देते हैं जो कि गलत है। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू रूट 15। अब हम दोबारा से बोल सकते हैं कि यहाँ पे 8 भी रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है, a और b ऑलरेडी रैशनल नंबर थे, इसका मतलब 8b माइनस a अपॉन 2 भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन रूट 15, इसका मतलब रूट 15 भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें यह पता है कि रूट 15 इरैशनल है, इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है और रूट 5 माइनस रूट 3 इरैशनल है। एक टाइप का और क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 अपॉन रूट 5 को इरैशनल प्रूव करो। ऐसे क्वेश्चन में आप रैशनलाइजेशन करेंगे, रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 5 अपॉन रूट 5, ठीक है। रैशनलाइज करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 रूट 5 अपॉन 5। अब इसको आप वैसे ही सॉल्व करना जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था, सेकेंड एंड फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से समराइज करते हैं। तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p भी a को डिवाइड करेगा, जहाँ पे p हमारा प्राइम नंबर होगा और a हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। a प्लस माइनस रूट बी इज इक्वल टू इरैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल है एक इरैशनल है, दोनों का सम या डिफरेंस जो होगा वो इरैशनल होगा। अगर एक रैशनल और इरैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं आंसर इरैशनल होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एक रैशनल इरैशनल नंबर को तो आंसर इरैशनल नंबर होगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक को लाइक करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, हमारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, बाय।